नमस्कार दोस्तों, न्यू ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को अपनी खेती बाड़ी दिखाएंगे, गांव देहात की खेती बाड़ी कैसी होती है। यहां पर आए हैं, ये आप देख रहे हैं नदी का बांध है और बांध के अंदर हमारा एक खेत पड़ता है। इधर आप देख रहे हैं धान की फसल है और उधर आप देख रहे हैं थोड़ी दूर पर ही नदी है। देखिए नदी में पानी भरा हुआ है आप देख रहे हैं और नदी का पानी हमारे खेत तक आया है। चलिए दिखाते हैं आपको कि हमारे खेत में पानी नदी का लगा हुआ है, उसमें अंदर जाकर के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा धान का फसल है और इसमें पानी नदी का आ गया है यहाँ तक। ये छोटी सी नदी है जो घाघरा नदी में जाकर के मिलती है, बदरहुआ नाला करके बोला जाता है इस नदी को। और आप देख रहे हैं धान की फसल लगी हुई है। धान की फसल तो अभी अच्छी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर बाढ़ आ जाती है नदी में तो ये हम लोगों की फसल जो है कि नष्ट भी हो जाती है। अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छा धान है आप देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, एक फीट से कम ही अभी इसमें पानी है। देखिए नदी का पानी इसमें आया हुआ है दोस्तों, हमारे खेत में नदी का पानी, गंगा जी का पानी आया हुआ है। तो ये देखिए इधर का नज़ारा कितना अच्छा है गाँव देहात का, और बहुत ही प्यारा दृश्य रहता है हम लोगों के गांव देहात में देखने के लिए मिलता है। और ये एकदम करीब से हम लोगों के खेत के पास से ही नदी ये निकलती है और बाढ़ भी आती है। ये देखिए गंगा जी का, तो दोस्तों ये है हमारे गांव देहात का आप देख रहे हैं दृश्य है। और गरम पानी में खेत में पानी लगा हुआ है आपको दिखा रहे हैं। देखिए चारों तरफ पानी ही पानी लगा हुआ है दोस्तों इस खेत में हमारे, लेकिन धान की फसल बहुत ही अच्छी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी फसल लगी हुई है, अगर बाढ़ बहुत ज़्यादा नहीं आएगी तो धान बहुत अच्छा होगा हमारा। यहाँ से वहाँ तक आप देख रहे हैं, ये हमारा ही खेत है, इधर भी है। तो दोस्तों इस तरह से नज़ारा लगता है हम लोगों के गांव देहात का, देख रहे हैं चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली, वातावरण के को शुद्ध रखने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे गांव देहात में पाई जाती हैं दोस्तों। तो इसलिए गांव देहात में आप शहर में हैं तो एक बार ज़रूर घूमने गाँव में आइए। गांव का हवा पानी जो होता है बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। अगर कोई शहर से बीमार आदमी भी आ जाते हैं तो वे स्वस्थ हो जाते हैं हमारे गांव में आकर के। यहाँ पे शुद्ध हवा मिलती है, प्रदूषण नहीं होता है दोस्तों। तो ये चारों तरफ का नज़ारा हमने आपको दिखाया आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर गाँव देहात से आप प्रेम रखते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अपना जो भी कार्य है, अपनी खेती बाड़ी हो चाहे कोई भी, हम लोग हमेशा अपना कार्य करते रहते हैं दोस्तों, और इस तरह से अपना वर्क आप लोगों को दिखाते भी हैं और दिखाने का कोशिश भी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिलहाल यहीं इस ब्लॉग वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।